नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तालिबान जैसे आतंकी संगठन ने बंदूक के दम पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब वो सरकार बनाने की कवायद में लगा है, जिसमें कि आईएसआई मदद कर रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आईएसआई चीफ वहाँ पहुँचे हुए हैं और सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आतंकी संगठन का आतंक का पालन पोषण करने वाला देश समर्थन कर रहा है। अपने देश में भी एक वर्ग है जो तालिबान का समर्थन करता है। आपने पिछले दिनों मुनव्वर राणा को सुना होगा और अब जावेद अख्तर आए हैं सामने। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में तालिबान की तुलना आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी से कर दी। कहा कि अपना देश सेकुलर देश है, लेकिन लोग जो है आरएसएस का भी समर्थन करते हैं, जिसकी सोच 1930 के नाजी जैसा है। इसके बाद क्या था, हो गया हंगामा और बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो उनके जुहू स्थित आवास पे करने लगा प्रदर्शन। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप आलोचना कीजिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए कि तालिबान से कैसे कोई तुलना कर सकता है। इसी बात का विरोध है और देखिए जरा कैसे हो रहा है प्रदर्शन। जैसा कि आपने देखा, राजनीतिक दलों का काम है विरोध प्रदर्शन करना। लोकतंत्र में सबको अधिकार मिला हुआ है बोलने का, लेकिन बोलने की एक सीमा वहीं तक है जहां तक कि दूसरे के अधिकार का हनन ना हो रहा हो, यानी कि आपके जी में जो आएगा वो नहीं बोल सकते। जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, और आपने देखा होगा शफीकुर रहमान बर्ग जो है एसपी के सांसद हैं वो हैं, और कई लोगों ने समर्थन किया, विधायक ने भी समर्थन किया। तो ये जावेद अख्तर ने तालिबान के समर्थन पे तो वैसी बात नहीं की, लेकिन तालिबान की तुलना जो है आरएसएस से कर दी। निश्चित रूप से आरएसएस की आप राजनीतिक रूप से बीएचपी की, बजरंग दल की जितनी आलोचना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्या वो आतंकवादी संगठन है? क्या वो आतंक का पालन पोषण करता है? जहाँ तक सोच की बात है, कट्टरता की बात है, तो बहुत सारे संगठनों में है, उनकी आलोचना आप क्यों नहीं करते? यहीं पे मानसिकता पता चलती है। खैर, अब इसको लेकर राजनीति हो रही है, बवाल हो रहा है, हंगामा मच रहा है, विवाद बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट की बाढ़ आ गई है। देखते हैं विवाद कहाँ जा करके थमता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।